हरिओम। गतांक से आगे शरद ऋतु 23 अगस्त से 23 अक्टूबर 2023। शरद ऋतु में क्या सेवन करे क्या सेवन न करे। पापांकुश एकादशी 25 अक्टूबर से शरद पूनम 28 अक्टूबर तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी किरणें होती है। इन दिनों में कम कपड़े धारण करके चंद्रमा की किरणें लेना हितकारी है। जो गर्भवती माताएं हैं, बहने हैं, वे इस प्रकार बैठे कि नाभि पर चंद्रमा की किरणें पड़े तो उनका गर्भ बढ़िया पुष्ट होगा। चांदनी अर्थात शुक्ल पक्ष की रातों में गर्भ और औषधियां पुष्ट होती है। अंधेरी अर्थात कृष्ण पक्ष की रातों में इतना विकास नहीं होता औषधियों अन्न और गर्भ का जितना चांदनी रातों में होता है। इस ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप करने वाली खारी, नमकीन, तीखी एवं खट्टी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। आंवला अम्ल रस से संयुक्त होने पर भी पित्त शामक है, अतः इसका सेवन कर सकते हैं। दही इन दिनों में दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, बड़ी बीमारी आएगी। दही लस्सी भूल कर भी नहीं लेना। इस ऋतु में जठराग्नि मंद होने से भरपेट भोजन करने से बचे। तले हुए पदार्थ तो वैसे भी नुकसान करते हैं, इस ऋतु में विशेष रूप से उनके सेवन से बचे। हरिओम। ऋषि प्रसाद, अगस्त 2023।